सातवें साल से इस बच्ची ने फलना फूलना है, अभी इसकी एज बहुत कम है जो आपने हमें यहाँ बताई है, और बिल्कुल हाफिज कुरान बनेंगी, बल्कि और भी बहुत कुछ बन सकती हैं, क्योंकि इनके नाम का पहला जो लेटर है या हुर्फ है, आर को हम ले लें या रे को ले लें, उसके जो अदद बनते हैं, रूह को ले लें, या मुसलमानों में सबसे मुकद्दस, बल्कि दुनिया के हर मजहब में सबसे मुकद्दस महीना हमेशा से रमजान रहा है, चारों आसमानी किताबें रमजान में उतरी हैं, तो ये तो बेहतरीन अदद और नंबर है, और बिल्कुल नाम तब्दील नहीं करना चाहिए, नाम के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बनना है इसने हाफिज कुरान, और भी बल्कि उससे आगे भी इसने जाना है, पर शी इज रियली वेरी ब्रिलियंट, ये तो बहुत काबिल और जहीन बच्ची है, आप किसी भी किस्म के खदशात शिकार ना हो इसके लिए। अच्छा, और सदका इनका बता दें या जब बड़ी होंगी तो विर्द वगैरह बता दें। 24 रुपए आपको देने चाहिए जुम्मे के दिन, इसको तो आप अपनी आदत ही बना लें। जी जी। कि कमोबेश आपको 15 महीने तक देना है इस बच्ची को, ज्यादा से ज्यादा आप गहरा नीला और हरा रंग पहनाइए। नीला और हरा, नीला और बस, ये 2-3 24 रुपए आपने देने सदका, ठीक है जी, जी। ओके जी, शतादी अल्लाह हाफिज। विद विद बताएं प्लीज। जी 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 जी, लिख लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बच्ची की सगी माँ पढ़ सकती है ये, और उसका प्रोसेस ये होगा कि ये विर्द पढ़ने के बाद एक गिलास पानी पे दम करके एक एक दो दो कतरे या स्पून से या चम्मच से चमचे से आपने उसको थोड़ा थोड़ा सा पिलाना है, वक्फे वक्फे से, एकदम नहीं पूरा गिलास पिला देना, 2-3 बार कितनी दफा बिस्मिल्लाह नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कीजिए, अल्लाहुन नूरुल मालिक, अल्लाहुल नूर, अल्लाहुन हुन 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 हे नून, अल्लाह जी जी, अल्लाहुन नूरुल मालिक, ये नूर और मालिक अल्लाह के सिफाती नाम है, उससे पहले अल्लाह, सफर का महीना है, 1430 सन हिजरी रबीउल अव्वल के चांद में ये तब्दील होना है, फिर आप दूसरा पूछ लीजिएगा। जी जी जी, तो ये आप पढ़िए इसको जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकती हैं, और एक गिलास पानी पे दम करने के लिए 312 मरतबा पढ़ के आपने दम करना, थोड़ा थोड़ा सा पानी इसको बच्ची को दीजिए, इंशाल्लाह आप इसकी बरकत देखिए फिर। ओके, ठीक नहीं रहती है, अक्सर बीमार रहती है, क्यों शहजादी? हमारे दूसरे कॉलर्स बहुत इंतजार कर रहे हैं, उनके डांसर पूरे साल के बाद आपका नंबर मुझे मिला, लेकिन आप ऑन एयर सुन लीजिएगा, रात को आप 3 बजे आप देख भी सकेंगे प्रोग्राम बाद में, लेकिन ये कि आपको वो तमाम सदके बता दिए, जब आप इस पे फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीजों से जो ओके अल्लाह। अच्छा, जैन के बारे में बात करेंगे, जैन के लिए उन्होंने कहा कि 7 मई 1994 इनकी एज कमोबेश बन रही है, 15 साढ़े 15 22वें साल से जैन ने आपको रिजल्ट्स देने हैं, उससे पहले उनकी डेवलपिंग का टाइम है, उससे पहले इम्कान नहीं है कि वो मेंटली स्ट्रांग हो सकें, 22 ईयर्स के करीब जब उन्होंने पहुंचना है, 21st है, उन्होंने 21वीं क्रॉस करनी है, अपनी एज का जो हिस्सा है 21 साल क्रॉस करने है, तो 22वें साल से वो रिजल्ट देंगे आपको, वो फलदार दरख्त है बहुत ये बच्चा, लेकिन अभी वो रिजल्ट नहीं मिल सकते जो ये चाह रहे हैं, वो अभी नहीं मिल, अभी नहीं मिल सकता, तो थोड़ा सा आप उसके लिए वेट करें। अनम से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम अनम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अनम, क्या आप पूछना चाहेंगी? जी अनम, मेरी बेटी का नाम है। अच्छा, ठीक है, और तारीख पैदाइश? उसका नाम है अनम शकील। अच्छा, और तारीख पैदाइश है 1991। डेट बताएं। ये 10th अप्रैल। 10th अप्रैल, ओके। सवाल क्या है अनम के लिए? जी, ये इसका नाम जो इसके लिए सूट करता है कि नहीं, क्यों? माशाल्लाह सब चीजें, लेकिन बस वो कभी कभी बहुत ज्यादा, वो डॉक्टर कहते हैं कि ये इसको कभी नजला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये कि पढ़ाई में अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन ये नाम सूट करता है, इसका मतलब भी बताइएगा। अच्छा। और ये चेंज करें कि अब ठीक है, ये अपना फर्स्ट ईयर में है अभी, ठीक है, चलें आपको ऑन एयर बताते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। मतलब ये कि उन्होंने कह रही कि थोड़ी थोड़ी सी बात, छोटी छोटी बीमारियों को बहुत ज्यादा वो समझ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 10th अप्रैल 1991 अनम के लिए नाम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम में, और जरूरत से ज्यादा हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा कॉन्शियस हैं, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है उनमें। देखें, मैं नाजरीन से कहूंगा कि कंप्लीशन और जो सुकून और जो आराम आपको चाहिए वो तो जन्नत में मिलेगा, यहाँ तो मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। इल्मुल अदाद से हम ये कर सकते हैं कि मुश्किलात को कम कर सकते हैं, मुश्किलात हल नहीं हो सकती, मुश्किलात खत्म भी नहीं होंगी, लेकिन कम हो सकती हैं, और रिलैक्स मिल सकता है, आसानियां आपकी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि इसका अदद किस्मत और इसका नाम बिल्कुल
बहुत ज्यादा मुवाफिक है।